सके। यहाँ पर अभी दिख रहा है लाठी चार्ज होने वाला ही है। पब्लिक देखिए हड़दंग मच गया, पूरे पब्लिक भाग रही है और यहाँ से देखिए पूरे पब्लिक को भगाया जा रहा है जो कि शाहरुख खान के। और वहाँ पर देखिए कि पूरे पब्लिक को जैसे घर के जाने के करीब कोशिश करता, जितनी भी पब्लिक सबको पुलिस प्रशासन उसको खदेड़ने के काम कर रही है यहाँ से। और यहाँ पर भी देखिए पुलिस जो यहाँ पर तैनात किया गया है और पब्लिक जो मान नहीं रही है, जो कि एकदम शाहरुख खान का दीदार करने के लिए उनके घर के पास जाने की कोशिश कर रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आप सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। और आज आए हुए हैं ईद के मौके पर जो कि बैंड स्टैंड पर, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगा आज, क्योंकि स्पेशल जो बैंड स्टैंड पर है ईद के मौके और बकरीद के मौके, किसी भी त्यौहार पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। और चलते हैं आगे, उसके बाद से दिखाएंगे पूरा यहाँ का क्या स्थिति है। उसके बाद से शाहरुख खान, सलमान खान, वो सबके हाउस के आगे भी काफ़ी ईद के दिन वो आने के उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको भी इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ मन्नत के पास, क्योंकि मन्नत के पास बहुत ही ज़्यादा लोग पहुँचते हैं ईद के दिन, क्योंकि शाहरुख खान का 99% उम्मीद रहता है कि वो बाहर निकलते हैं। जैसे कि इधर भी आपको दिख रहा होगा कि लोग यहाँ पर काफ़ी आ रहे जा रहे हैं। और अभी मेरे साथ तीन आदमी आए हुए हैं इधर, माधी भाई जिसको आप लोग देखते होंगे, और इसके बाद से हमारे वादी अंकल है साथ में ही है। तो चलिए, बहुत से लोग हैं, देखिए इधर भी भाई साहब इधर घूमने फिरने आए हैं चश्मा लगा के। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, जो कि आज है सब्सक्राइब करो क्योंकि आज है ईद का दिन। और बेसिकली जो लोग ज़्यादातर आते हैं सेलिब्रिटी का किसी तरह से मतलब दर्शन हो जाए, उसके लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दौड़ धूप भाई, मेरे को भी गिरा दोगे क्या? तो जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कितनी पब्लिक आ चुकी है और इस आके के घर के सामने, लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन काफ़ी तैनात किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से जैसे कि पूरा घेराबंदी किया गया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आगे जाने की परमिशन नहीं है। और सभी लोग जो बैन स्टैंड का जो एरिया बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए बहुत ही भीड़ है, यहाँ पर पूरा खाली कराया गया, जो कि सुरक्षा के हिसाब से ये पूरा रोड जो है पूरा खाली कराया गया। ऐसे पब्लिक जो है पहले जो आते थे तो पूरा उनके गेट तक जाते, लेकिन अभी क्या है कि उनके गेट तक किसी को जाने की परमिशन नहीं है। और पुलिस प्रशासन हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। और इधर भी देखिए कितने लोग यहाँ पर है, जो कि शाहरुख खान का एक दीदार करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। हाँ यहाँ यहाँ दूर से इधर भी उनके फैन से जो और हालांकि सभी लोग बोल रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे, लेकिन अभी जो आने वाले हैं नहीं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पहुँची हुई। तो जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि पूरी प्रशासन मुस्तैदी के साथ बैठी हुई है, और लोग यहाँ पर काफ़ी अल्लाह चिल्ली मतलब शोरगुल कर रहे हैं कि शाहरुख खान आ गए, लेकिन वो फिलहाल आ नहीं रहे। और इधर देखिए कितना भीड़, मतलब पब्लिक ही पब्लिक आपको देखने को मिलेगा, जो कि SRK यानी शाहरुख खान को देखने के लिए ईद के दिन यहाँ पर पब्लिक पूरा भरा पड़ा हुआ है। और जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर भी आपको पब्लिक ही पब्लिक देखने को मिलता है। फिलहाल जो है घेराबंदी किया गया है, जो कि आपको पता ही है कि आजकल सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अपना अलर्ट मूड में रहती है पुलिस प्रशासन। और वो सामने वाला जो मन्नत जो कि आपको व्हाइट कलर का दिख रहा ना, यही मन्नत है, वहीं से वो आते हैं जब भी आते हैं, लेकिन फिलहाल उधर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। और यहाँ से पब्लिक पूरी आवाज़ लगा रही है, चिल्ला रही है कि बाहर आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी। और ये सामने का मन्नत जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, इसी में रहते हैं SRK, शाहरुख खान। ऐसा लग रहा है कि वो आ गए, लेकिन वो आए नहीं है। सब लोग हाथ ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं है, वो उम्मीद भी कम है अभी फिलहाल, क्योंकि पता चल रहा है कि वो आके जा चुके हैं। और ये देखिए पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपना काम कर रही है, और किसी भी पब्लिक को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और काफ़ी भीड़ है, जैसे कि आपको पता ही है कि ईद के मौके पर कितना यहाँ पर भीड़ होता है, और लग रहा है कि जल्दी वो निकलने वाले हैं, इसलिए लोग जो पब्लिक जो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं।
और यहाँ पर देखिए कितना चिल्ला रहा है। ए चिल्लाइए कहाँ और यहाँ पर देखिए पब्लिक कितना पब्लिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं। पूरा आगे तक देखिए आपको कितना पब्लिक पूरा भरा हुआ है, मतलब दूर दूर तक लोग धीरे धीरे कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है जो उन्हें रोक रही है। और जैसे कि इधर से भी आपको दिख रहा होगा इतना पब्लिक यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, जो कि शाहरुख खान के बंगलों के पास देखिए पुलिस प्रशासन भी सबको हटाने की यहाँ से कोशिश कर रही है।